नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीरा स्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे। सियासत का बदलापुर। आज राजस्थान में सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसके समर्थन में जब हम पहुंचे थे, यानी राहुल गांधी के, उसके बदले में ये कार्रवाई केंद्र की तरफ से की गई है। इसीलिए लिखा है सियासत का बदलापुर। जोधपुर में अपने भाई के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आहत हैं। वो इसे बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का मानना है कि ये राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध का नतीजा है, लेकिन उनका सवाल ये है कि उनका बदला भाई से आखिर क्यों लिया जा रहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इससे पहले राजस्थान में जब सियासी क्राइसिस हुआ था उस वक्त भी जोधपुर में रेड डाली गई थी, यानी इनके भाई के घर रेड पड़ी थी। सीएम ने साफ किया कि इससे मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं तो 50 साल से राजनीति कर रहा, लेकिन इनकी अभी रगड़ाई नहीं हुई है। ये सच है कि राहुल गांधी के ईडी मामले में दिल्ली में अशोक गहलोत फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और ठीक उसी के बाद अशोक गहलोत के भाई के घर पर यह छापा। सवाल यह है कि क्या जोर अशोक गहलोत कह रहे हैं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी बदले के लिए किया जा रहा है, ये सच है या फिर इस कार्रवाई पर भी सियासत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट के बाद चलेंगे सीधे मेहमान। जोधपुर में भाई के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी हथकंडा इसको करार दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि उनके भाई के खिलाफ सीबीआई की जो कार्रवाई हुई वो बदले की भावना से की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सीएम गहलोत ने विरोध में आवाज उठाई थी। उनके भाई के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई उसी का नतीजा है। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं। मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर उतना ज़्यादा ही बैकलैश इनके लिए होगा, मेरा मानना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीबीआई, ईडी और सीबीडीटी तीनों प्रीमियर एजेंसियों के हेड से मैं टाइम मांग रहा हूं। नागरिक के तौर पर उनको बताऊं कि देश में आपके बारे में क्या ओपिनियन बनी हुई है और क्यों बनी हुई है। लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको हमारी बात सुननी चाहिए। फैसला उनका खुद का है पर सुनने में क्या एतराज है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने सियासी अनुभव का हवाला दिया और ये भी कहा कि इन लोगों को बिना मेहनत के पद मिल गया, इसीलिए इनकी ग्रूमिंग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि अगर कोई राजनीति में भाग ले रहा है तो उसके परिवार वाले पर अटैक हो ये उचित नहीं कहा जा सकता है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो सीएम का साफ कहना है कि जो भी इस पूरे मामले पर यानी राहुल गांधी या कांग्रेस के पक्ष में खुलकर बीजेपी का विरोध करता है, उनकी कार्रवाइयों का विरोध करता है, उनके परिवार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है या फिर एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है और वो इनके साथ भी किया जा रहा है, जो सही नहीं है। ये सच आरोप है या फिर मतलब क्या है इसका? मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। सुमित गोदारा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त। इसके अलावा एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार और आरसी चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। आप सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, अभी बीजेपी का वर्जन लेंगे लेकिन सीएम साहब की बातों को जरा समझाइए। कांग्रेस को यह लग रहा है कि यह बदले की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में सबसे लीड कर रहे थे, फ्रंट पर थे, चाहे रणनीति बनाने में, चाहे मीडिया के सामने आने में, चाहे प्रदर्शन की अगुवाई करने में, उसी का नतीजा यह है। संजय जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद अच्छी बात कही है।
जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ कांग्रेस को चिन्हित किया, तमाम उन विपक्षी दलों को जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता था, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे किसी दूसरे वर्ग के लोग हों, जिन्होंने जो आवाज उठाई उस आवाज के साथ में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों पे हर किसी पे कार्रवाई की। उन्होंने उन तमाम सरकारों को अपदस्थ करने का प्रयास किया जिसमें उन्हें चुनौती के तौर पे मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, जब ईडी ने जब राहुल गांधी जी को लेके गए, तब मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बखूबी से होकर हमले किए, मीडिया ने उन्हें बेहद कवरेज दिया, पूरे देश के अंदर उनको सुना गया, तो उन्हें किस प्रकार से विवरण डाला जा सके, किस प्रकार से उन्हें डिस्टर्ब किया जा सके, इसी के तहत उनके भाई के ऊपर आज सीबीआई का छापा पड़ा। ये कोई एक आरोप एक संयोग नहीं है। इससे पहले भी 2021 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तमिलनाडु के अंदर, चार दिन पहले डीएमके के नेता स्टालिन और उसके परिवार के सदस्यों पर छापा पड़ता है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं कर्नाटका के अंदर डीके शिवकुमार हमारे नेता हैं, उनके और 14 कांग्रेस के नेताओं पे अन्यों पे कार्रवाई होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर 14 टीएमसी नेताओं पे कार्रवाई होती है। राजस्थान के अंदर जब 2020 के अंदर सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया, तब मुख्यमंत्री के करीबी राजीव अरोड़ा जी हो, धर्मेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे उनके भाई हो, उन पे ईडी की कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वेषता के आधार पे प्रतिशोध की जलती हुई आग के अंदर लगातार इनको कार्रवाइयों को कर रही है, ताकि जनता की महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की इस आवाज को मुखर ना किया जा सके। निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक बेहद बहुत ही गंभीर टारगेट करके जानबूझ के ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि सरकारें आएगी जाएगी, चेहरा या फिर जो सरकारी एजेंसियों का बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहा उसकी आवाज को दबाया जा सके। सुमित जी इसका जवाब दीजिए। आता हूं सर, सुमित जी इसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी का पूरा गंभीर आरोप था कि देखिए हमने जाकर दिल्ली में वहां पर आवाज बुलंद की और हमारे घर सीबीआई भेज दिया गया। देखो, देश में पहली बार आजादी के बाद या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही या अब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी डील्स देश के सामने निष्पक्ष रूप से होने लगी, एजेंसियां अपने काम सुचारू रूप से बिना राजनीतिक भेदभाव से काम करने लगे, तो इन लोगों ने जो इतने साल शासन किया और शासनी देश को लूटा और उन पर अंकुश लगने लगा, तो अपने आप को उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे। इन्होंने पूरे देश के उदाहरण दिए, तो आप ये देखो ना, इन्होंने कितने साल कांग्रेस ने किस तरह भ्रष्टाचार किया, देश की नीतियां ये लोग बनाते थे भ्रष्टाचार करते हुए, क्या लाइसेंस राज था, उसके नाम पर कितनी लूट हुई। आज जो मुख्यमंत्री जी के भाई की ये बात कर रहे हैं अग्रसेन जी, वो उसी तरह का राजनीतिक इस्तेमालों का करते हुए किस तरह व्यक्तियों ने व्यापार अपना बढ़ाया, कि फर्टिलाइजर का काम, तो साहब म्यूरिपेट ऑफ पोटैश एमओपी जो कि इंडियन पोटैश लिमिटेड आईपीएल इंपोर्ट करता है, वो सिर्फ किसानों के उपयोग के लिए, इनके पास इनकी एजेंसी, इनके भाई साहब के पास, अब उन्होंने वो सिर्फ किसानों के काम आने वाला उसको इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में कंपनियों को मलेशिया सिंगापुर एक्सपोर्ट किया। और इसकी जांच किसने करी, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने, कौन से सन में, 2012-13 में कस्टम विभाग ने पेनल्टी लगाई 5,46,00,000, कौन सी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, तो भैया क्यों विचलित हो रहे हैं। यदि आप सही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सर, ये टाइमिंग पे सवाल पूछ रहा है ना, ये कह रहे कि जब यूपी में चुनाव था तब आपकी इनकम टैक्स और ईडी वहां पर पहुंच जाती थी, बंगाल में कुछ होता है तो वहां पहुंच जाती है, कर्नाटका में कुछ होने वाला होता उसके पहले भेज दिया जाता है, और अब यहां पर या वाकई में पहले से नोटिस था या रेंडमली भेजा गया था। आरसी साहब को जब चुनाव है तभी चीजें दिखती है, जबकि केंद्रीय एजेंसियां पूरे देश में निरंतर करते हैं, अखबार कम पढ़ते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको ध्यान दो, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से डीआरआई और रेवेन्यू के लगातार ये काम करते आ रहे हैं, कोई आज नहीं है। हाँ। पर इनको जब इनके ऊपर लगता है तो इनको लगता है हम पे कैसे कर लिया, क्यों, इनको लगता है हमने 70 साल देश में राज किया तो हम पे कोई कैसे कर सकता है, क्यों भाई, आपके राहुल गांधी जी को यदि ईडी बुला रही है तो देश के नेताओं का जमावड़ा करने की क्या जरूरत है। नरसिम्हा राव जी को भी जब बुलाया गया था तब तो जमावड़ा नहीं किया था आपने, आज राहुल गांधी जी के लिए जमावड़ा क्यों कर रहे हो आप। नरसिम्हा राव जी को भी बुलाया गया था, उनको भी कानून का सामना करना पड़ा था, तब कहां गई थी आपकी कांग्रेस, आपकी कांग्रेस क्या सिर्फ गांधी परिवार के लिए। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मित्तल साहब, ये बड़ा विचित्र चीज, विचित्र वाकई में संयोग है या क्या इसको कहा जाए, कि जहां पर भी कुछ ऐसी हैपनिंग होती है वहां पर ये टीमें पहुंच जाती हैं जिनके ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती आई है।
ये वाकई में ये बदलापुर वाली कार्रवाई है, जानबूझकर करवाई जा रही है, या फिर ये रूटीन जो कार्रवाई विभागीय है इन विभागों की संस्थाओं की वो चल रही है और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है क्या ये? संजय जी देखिए कि आज जो कार्रवाई हुई और उसमें जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, मैं उस बयान का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने बहुत साफगोई के साथ कहा कि मैं ऐसी कार्रवाइयों से डरता नहीं हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये लोग समझते हैं कि मैं राहुल गांधी के समर्थन में जाके दिल्ली में जाके प्रदर्शन कर रहा हूं तो ये मेरे को डरा सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं 19 जून को फिर दिल्ली जाऊंगा और जब 20 जून को ईडी दिल्ली में राहुल गांधी साहब से पूछताछ करेगी तब भी मैं उस प्रदर्शन में भाग लूंगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छे राजनेता की उन्होंने प्रदर्शित किया अपने आप को कि मैं ऐसी कार्रवाई से डरता नहीं। लेकिन जो सवाल अभी सुमित गोदारा साहब ने उठाया है, मुझे लगता है कि उसका जवाब भी यदि मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता कि ये जो अग्रसेन जो गहलोत साहब हैं, जो मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई हैं, उन पर जो आरोप लगाया जो खाद गरीबों को दी जानी चाहिए थी वो आपने विदेशी कंपनियों को बेच दी और उसमें भारी मुनाफा कमाया और बाद में DRI ने उन पर पेनल्टी भी लगाई, ये सारी चीजें यदि इनका जवाब भी आता तो अच्छी बात होती। हाँ। रहा सवाल एजेंसियों के दुरुपयोग का तो मैं क्या नाम से यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ और ये यहाँ अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जुलाई 2020 के अंदर जब राजस्थान में सियासी संकट हुआ तो किस तरीके से कांग्रेस के ही जो सत्तारूढ़ पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो और जो कांग्रेस के 18 जो क्या नाम से विधायक थे उनके खिलाफ किस प्रकार से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अभी अभी जिस तरीके से बात सामने आई जब क्या नाम से राज्यसभा के चुनाव थे तो आप देखो कि तुरंत जाके क्या नाम से ACB के पास चले गए और ACB से कहा कि विधायक को खरीदा जा रहा है। तो मेरा यह कहना है कि जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने अपने नजरिए से उनका उपयोग करती है और उनका इस्तेमाल करती है। नहीं तो सर फिर इसको क्यों कहा जाता है ये, अगर सब कुछ वाकई में इसी तरीके से कि लगाम कहीं और से होती है, आदेश कहीं और से होता है तो फिर साफ तौर पर कहा जाए, हथियार भी इस्तेमाल किया जाए और डिनाई भी किया जाए, ये तो मुझे लगता है कि अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं है। फिर संजय जी सबके देखो अपने अपने तर्क हैं। जुलाई 2020 में क्या नाम से मुख्यमंत्री महोदय को यह लगा कि क्या नाम से मेरे खिलाफ राजद्रोह हो रहा है, मेरी सरकार को गिराया जा रहा है, तो उन्होंने उस तरीके से उसमें SOG का भी उपयोग किया, उन्होंने ACB का भी उपयोग किया, कई लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया, उन्होंने अपने नजरिया रखा। आज जिस तरीके से अग्रसेन गहलोत साहब के यहाँ जो कार्रवाई हुई है तो केंद्र जो 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 CBI है उसका अपना कहना, हम देखते हैं कि इस मामले में पहले ED ने भी उनसे पूछताछ की है और आज खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि जब 14 जून को दिल्ली में जाके उन्होंने इन जांच एजेंसियों के प्रमुखों से मिलने की बात की तो उन्होंने मिलने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन 15 तारीख को CBI ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आज 17 तारीख को अजमेर मार दी। ये बात मुख्यमंत्री जी खुद ने बताई है कि 15 तारीख को एक CBI ने नया मुकदमा दर्ज किया। ठीक है चौधरी साहब, जवाब दीजिए जरा सुमित गोदारा जी के सवाल का। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने गलती की है और इसके पहले पेनल्टी भी लगाई गई है तो फिर इसमें इफ एंड बट का सवाल कहां से उठता है, कार्रवाई तो कार्रवाई है और गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। संजय जी मैं साधुवाद करना चाहता हूं CP मित्तल जी ने, जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा रेपर लगा के जो बात कही, उन्होंने अपने आप उन्होंने अग्रसेन गहलोत को दोषी ठहरा दिया कि पेनल्टी लगी तमाम सब चीजें भी, इन्हें यह पता होना चाहिए ईडी हो चाहे CBI हो ये एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, न्यायिक एजेंसी नहीं है, इसलिए जब तक न्यायिक निर्णय नहीं आता तब तक CP मित्तल साहब को माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें दोष के कटघरे में खड़ा किया, एक चीज। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करते को पूरा देश जानता है। देखिए अगर आप बोलने देंगे, अगर संजय जी आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, आपको लगता है कि सुमित जी एक सेकंड रुक जाइए, पूरी बात कर लीजिए फिर मैं आता हूं। हम चाहते हैं डाटा मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ठीक है चौधरी साहब, जनता को पता चले। चौधरी साहब बोलिए, उनको बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार ने 570 मुकदमे दर्ज किए, 570 मुकदमे दर्ज किए 3,500 लोगों के खिलाफ में किए, उसके अंदर दो दैनिक भास्कर भी है जिसने कोविड के अंदर जो गंगा की लाशें पटी हुई थी उस पर भी मुकदमा दर्ज किया, वो न्यूज NDTV भी है, वो न्यूज क्लिक भी है। अगर जी न्यूज भी केंद्र की सरकार के खिलाफ में अगर जनता के मुद्दों को उठाएगी तो निश्चित रूप से जी न्यूज पर भी ईडी और CBI का छापा पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये जो साहस करेगा उनको इन एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा और हम करेंगे। और गोदारा जी ने जो बात कही, मैं गोदारा जी के लिए कहना चाहता हूं कि गोदारा जी के पास में तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार लॉन्ड्री है कि कोई भी भ्रष्टाचारी उस लॉन्ड्री के अंदर आ जाए और ये दूध से दुलाके और उसको पाक पवित्र बना देते हैं। इन्हें पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और सोवन चटर्जी
तीन के ऊपर शारदा चिट फंड और नारदा सिटिंग केस का मुकदमा लगा था। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 और विधानसभा चुनाव में मुखरता से इसको उठाया, लेकिन मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो ये पाक पवित्र हो गए और ईडी ने उसके घर का जाना रास्ता छोड़ दिया। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार जिसपे हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो वो चक्की पिसेंगे जेल के अंदर, लेकिन वही देवेंद्र फडणवीस आधी रात को गवर्नर हाउस में लेके जाते हैं और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और भ्रष्टाचार पे क्लीन चीट देते हैं। ऐसे घिनौने लोगों से बचना होगा और देश को समझना होगा। मैं कहना चाहूंगा हेमंत बिस्वा शर्मा जो गुवाहाटी वाटर, सर वो मत गिनवाइए, मुझे बस इतना बताइए कि जिस मामले में सीबीआई पहुंची है क्या इसमें सारी चीजें क्लीन है, क्या 5,46,000 5,46,00,000 की पेनल्टी नहीं लगी थी? नहीं लगी तो मुझे बताइए। सुनिए, और दूसरा आपने कहा कि जी न्यूज अगर जो है कि सरकार के खिलाफ बोलेगा तो ईडी और सीबीआई भेज दी जाएगी। सर हम जनता की आवाज है, लोकतंत्र के फोर्थ पिलर है, ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी से डरने की आवश्यकता है। डंके की चोट पर आपसे भी सवाल पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं, इसीलिए दोबारा ये शब्द ये लाइन में इस्तेमाल करिएगा। सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, बताइए, ये कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, तमाम चीजों की इन्होंने काउंटिंग करवा दी, यहाँ से लेके बंगाल तक राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा। हो गया सर, हो गया चौधरी साहब, हो गया, आप सुन तो लीजिए। संजय जी, जो लाइसेंस राज के नाम पर कांग्रेस ने देश को लूटा वो चीज सामने आने लगी है और ये इस चीज से विचलित हो रहे हैं इनको। अरे लुटेरे, अरे और बीजेपी के विधायक साहब, आप पे जो आरोप लगे, आप इस देश को कमजोर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने आगे कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चार जजों तो जाइए सर, डिसिप्लिन मेंटेन तो करवाइए। आपके बारे में कोई और बोलता तो आपको दिक्कत हो जाती है, और आप दूसरी के बारे में मत बोलिए, दूसरे का वक्त मत लीजिए ना सर, तो जाइए, सुन तो लीजिए, तर्क टकराइए। गोदारा जी, संजय जी, तथ्य होने चाहिए। नहीं रुकिए तो सही, आपने बोला उनको हमने रोका, अब वो बोल रहे हैं, आप रुकिए। पुलिस कमिश्नर कौन? राकेश अस्थाना बताइए, राकेश अस्थाना कौन है? राकेश अस्थाना जिनके भ्रष्टाचार का आरोप लगे के नाम पर देश को लूटा, राकेश अस्थाना कौन? एआईसीसी के अंदर दिल्ली पुलिस जाती है, किसके इशारे पे जाती है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा, किसके इशारे पे जाता है दिल्ली पुलिस, दलिया वाला कांड करना चाहते हैं ये, बात भी सरकार ये जनरल डायर बन गए हैं, आप किसी कंपनी का ले लिए देते डीलर। अरे ये तुम्हारे तुम इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को हनन कर रहे हो, लोकतंत्र का तीर हनन कर रहे हो, 137 करोड़ जनता पे हमला कर रहे हो, आप उनको गुलाम बनाना चाहते हो ताकि उनकी कोई आवाज नहीं उठा पाए। उदाहरण है, और मुख्यमंत्री की जो बौखलाहट है वो बता रही है कि मुख्यमंत्री जी कहते कुछ और है, नहीं सर वो तो छोड़िए सर, एक सेकंड रुकिए ना, मुख्यमंत्री जी जो कहा वो कहा, ठीक है, समझ में आता। सुमित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल। अभी देखिए मित्तल साहब ने भी इशारों में खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन साफ तौर पर कहा कि जिसकी जो सरकार होती है जब वो वाकई में इन एजेंसियों का इस्तेमाल इनडायरेक्ट वे में करता है। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई घटना घटती है उसी वक्त एजेंसियां वहां पर उस राज्य में सक्रिय होती है, इसका जवाब है किसी के पास? देखने का नजरिया है, हाँ। हो सकता है मीडिया उस टाइम ज्यादा और उस बातों की तरफ निगाह जाती है जब इस तरह की चर्चाएं होती है। अच्छा, तो जब राज्य में क्राइसिस हो रहा था तभी यहाँ पर ईडी आनी थी, जब अब राहुल गांधी से सीबीआई के ईडी की पूछताछ हो रही तब यहाँ पर सीबीआई आनी थी। ये घटनाक्रम तो अपने आप में एक दूसरे से लिंकअप करते हैं, इसके बीच में तो नहीं आई, इसके बाद में नहीं आई, कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। मुख्यमंत्री जी बोखलाहट बता रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात हुई है जिससे उनको डर है। आज वो रगड़ाई की बात करने लगे हैं, मुख्यमंत्री के रगड़ाई नहीं हुई, आज क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, इनकी बात कर रहे हैं रगड़ाई की? क्या वो देश में तुम्हारे दमन का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे अत्याचार का पर्दाफाश करेंगे, इस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, और तुम तो वहां पे कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो। दो लोगों के सारे भी इस देश को जो बंधक बनाने का प्रयास किया जाता है, देश को जो गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश की सेना में जहाँ पे संविदा पे सैनिक लेने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुक करते हैं हम। ठीक है सर, इस पे आते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। मित्तल साहब इस देश को चीजें हाथों में नहीं। ठीक है, लड़िए मत सर, आप लोग लड़िए मत प्लीज। मित्तल साहब, अब क्या कहा जाए, दोनों लोग एक दूसरे को अपने आपको साफ बता रहे, दूसरे पर आरोप लगा रहे,
सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर वाकई में ये पूरे देश के लोगों के भीतर सवाल है, चाहे वो राज्य सरकारें हों अपने तरीके से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों को अपने तरीके से इस्तेमाल करती है और बोलने के समय दोनों डिनाई कर जाते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई है, विभागीय प्रक्रिया है, अपने हिसाब से चल रही है और सबको पता कि अंदर की चीजें क्या होती हैं। संजय जी, सीआर चौधरी साहब ने जो अभी अपनी बात को रखा, मैं हमेशा कहता रहूं कि बहुत प्रभावी तरीके से वो कांग्रेस का पक्ष मजबूत तरीके से रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने किन किन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर ली, क्या कर ली, तो मैं उनको यहाँ इस मौके पर बहुत याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि गुस्से में है बहुत वो। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने भी क्या नाम थे आज तक न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई की, एक मीडिया कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की। तो ये सारी कार्रवाइयां राजनीति में चलती रहती है, अब टाइमिंग के हिसाब से भी कार्रवाइयां चलती रहती है। और आज जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, कह रहे हैं कि ये देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई है, राजनीतिक नजरिए से की गई कार्रवाई है। हाँ बोलिए मित्तल साहब, बात करिए, बात रखिए अपनी। तो मैं संजय जी, मैं इसमें यही कह रहा था कि जिसकी जो सरकार होती है उस एजेंसियों का उसी तरह वो क्या नाम से अपने अपने नजरिए से इस्तेमाल करती है। और जांच एजेंसियों के अधिकारी ये कहते नहीं हमने निष्पक्ष कार्रवाई की है, हमारे पास जो सबूत है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। सर ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये बताइए सर, हम आप तो इस बारे में इस पोजीशन पर बैठे हैं ना जहां पर इनको अगर ये गलत रास्ते पर है तो बता सके इसका समाधान क्या है। अगर हम ये एक दूसरे पर पत्थर फेंकेंगे या एक दूसरे के खिलाफ ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने कहा ना कि जो संवैधानिक तौर पर चीजें इस देश का ढांचा है वो सुदृढ़ नहीं रहेगा, इसको रोका कैसे जाए। इसमें मेरा ये मानना है कि यदि किसी को ये लगता है कि क्या नाम से जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो राज्य की जांच एजेंसी हो चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी गलत कर रही है, तो क्या नाम से इस मामले में न्यायालय, हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर क्या नाम से न्यायालय हमारे यहाँ है। और ये जो अग्रचैन गहलोत साहब का जो मामला है उसमें अपन को ये भी पता है कि क्या नाम से जो राजस्थान हाई कोर्ट है उससे वो अभी जमानत पर है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है, जो ईडी ने जो पहले कार्रवाई की थी वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जब क्या नाम से अपन को ये लगता है कि क्या नाम से कोई भी जांच एजेंसी पद का दुरुपयोग कर रही है तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालतें हैं। ये तो सर तरीका तो यही है ना कि नेताओं को या उनके परिवार को, चाहे कोई भी सरकार हो, यही तो चाहती कि वो कोर्ट कचहरी और एजेंसियों के चक्कर में फंसे रहे, ताकि जब भी गिरेवान पर हाथ रखना हो या फिर नकेल कसनी हो उनका इस्तेमाल उस तरीके से कर लिया जाए, यही तो चाहती हैं। और वही मतलब मजबूर होकर वही जाना पड़ेगा। संजय जी, मेरा यह मानना है कि क्या नाम से जहां धुआं उठता वहीं आग लगती है, तो यदि कुछ ना कुछ एजेंसियों के पास में, चाहे वो राज्य की एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो, उनके पास इस तरह के कुछ दस्तावेज होते हैं, उनके पास कोई तथ्य होते हैं, इसीलिए क्या नाम से यह कार्रवाई की जाती है। ठीक है सर, चौधरी साहब जवाब दीजिए, आप बोलना चाह रहे थे। हाँ निश्चित रूप से मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी बेखूबी के साथ में, किस अंदाज के साथ में उन्होंने हमें सजा का फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि ये जमानत पे हैं, जमानत पे होना अपराध नहीं है, अपराध जब न्यायालय निर्णित कर देगा तब कहें। इसलिए ये जो धुएं की जो बात करें, ये धुएं की नहीं द्वेष्टता की बात करनी चाहिए, द्वेष्टता के आधार पर। उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया, राजस्थान सरकार पे आरोप लगाया कि इन्होंने भी एक चैनल पे कार्रवाई की, इन्हें सुधार करना चाहिए मित्तल साहब को, कि हमने एक पत्रकार पे कार्रवाई की जो चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का काम कर रहे थे, हमने चैनल पे कार्रवाई नहीं की। चुनी हुई सरकार को, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के जनादेश को कुचल के जो गिराने का धर्मबल के आधार पर षड्यंत्र रचेगा, हमारी नैतिकता बनती है, जवाबदेही बनती है कि हम उसको रोकें, वो प्रयास किया। मित्तल साहब को यह एहसास होना चाहिए कि एनडीटीवी ने आवाज किसकी उठाई, देश की जनता के मुद्दे उठाए, दैनिक भास्कर ने किसकी आवाज उठाई, कोविड के अंदर लाश हो रही थी, जहां पे अहमदाबाद के अंदर मुख्यमंत्री के बयान पर आइए सीधे यहां वहां चैनल की बात मत करिए, कोविड की दुर्दशा की आवाज उठाई, उसका न्यूज क्लिक ने किसकी आवाज उठाई, गरिमा को बनाए रखिए, जनता के मुद्दों की आवाज उठाई। एक सेकंड रुकिए, इसके अलावा वही पर तो आ गए, आपने भी, आपको नहीं लगा सही तो आपने कार्रवाई की, और उनको नहीं सही लग रहा तो वो भी कार्रवाई कर रहे, फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों, या तो दोनों जो है कि पार्टियां अपने तरीके से सधे तरीके से चले, किसी पर कार्रवाई ना करें, जो न्यायिक तौर पर बनता है उस पर कार्रवाई हो। आपकी आवाज निश्चित रूप से निष्पक्षता के तौर पे जानी चाहिए, ताकि राजस्थान में एक पहचान बने कि एक पत्रकार, हम पत्रकार के सर यहां पर बैठकर मेरी जिम्मेदारी यही बनती है, मेरी जिम्मेदारी यही बनती है कि जो सवाल हैं इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम वही पूछेंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो,
आपको पसंद हो, हम आपकी पार्टी को पसंद हो, बीजेपी को पसंद हो, बीजेपी की पार्टी को पसंद ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्तल साहब को नहीं, लेकिन अगर लेकिन अगर जब लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कोई कार्रवाई होगी तो उस पर हम ऐसे तीखे सवाल पूछेंगे। सुमित जी फाइनल कमेंट आपसे, सुमित जी फाइनल कमेंट आपसे जा सकता है जी, बोलिए। वो अपराधी नहीं हो सकता कि वो इस समय ऐसा देते कि दूर कहते कि उन्हें कानून पर, जो हर बार बात रखते हैं कानून पर विश्वास है, कानून अपना काम करेगा। वो बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, पर जब उनके खुद के परिवार पर ये बात आती है तो किस तरह वो विचलित होते हैं, ये पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने देखा, तुमको भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने देखा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस जलियांवाला हत्याकांड करने के लिए घुसी थी, लेकिन मीडिया के साथ ही खड़े थे, उनके कैमरे उनके ऊपर खड़े थे, इसलिए उन्हें दबे पांव वापस निकलना पड़ा, वरना वो उस चारद्वारी में बंद करके जो नरसंहार करना चाहती थी, जलियांवाला बाग की गुनीस की घटना दोहराना चाहती थी, वो सब ने देखा। कहाँ चले जा रहे हैं सर आप लोग, कहाँ चले जा रहे हैं? सीबीआई दरवाजे पर खड़ी है, ईडी पूछताछ कर रही है, उधर राज्य सरकार की तरफ से भी बीजेपी आरोप लगा रही कि जब आपका मौका आता आप भी इस्तेमाल करते। सवाल तो यही कि ये परंपरा रुकेगी कैसे? आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत सही बात कही कि अगर ये कार्रवाई द्वेषता के तौर पर है तो परिवार को इसमें लपेटा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है तो क्या वाकई में वो द्वेषता या किसी के इशारे के तौर पर हो रहा है? ये तय कैसे होगा? टाइमिंग को लेकर जरूर लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, लेकिन कार्रवाई भी तभी होती है जब कुछ ना कुछ पाया जाता है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई में सच क्या है। धन्यवाद।